हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हंगर्स हब। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि नूडल्स को कैसे बॉईल किया जाए। नूडल्स को बॉईल करने के लिए हम पैन लेंगे और उसमें ऐड करेंगे थोड़ा पानी। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के करीब नमक और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक को हम कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल। मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है, आप इसकी जगह पे कोई भी अनफ्लेवर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। कुछ 1 से 2 मिनट के बाद हमारा पानी अच्छे से बॉईल होने लग जाएगा। जब हमारा पानी बॉईल होने लगे तो इसमें हम ऐड करेंगे हमारे नूडल्स को। नूडल्स जैसे जैसे बॉईल होते जाएंगे, ये पानी में अपने आप ही अंदर जाते जाएंगे। अब हम इनको थोड़ा मिक्स कर लेंगे और कुछ 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको बॉईल होने देंगे। मैंने यहाँ पर मोटे वाले नूडल्स का यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो पतले नूडल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पतले नूडल्स यूज़ करेंगे तो हम उसको 2 या 3 मिनट के लिए ही बॉईल करेंगे। हम इसको बीच बीच में मिक्स भी करते रहेंगे ताकि नूडल्स नीचे ना लग जाएं, और ध्यान रखेंगे कि हमारी जो गैस है वो मीडियम फ्लेम पे ही हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। जब हमारे नूडल्स बॉईल होकर तैयार हो जाएंगे कुछ 4 से 5 मिनट के बाद, तो हम अपनी गैस को करेंगे बंद और साथ ही इसके जो पानी है उसको हटा देंगे और इसमें ऐड करेंगे ठंडा पानी, फ्रिज का बिल्कुल ठंडा पानी, और इसको भी हटा देंगे। और इस प्रोसेस को हम 2 से 3 बार रिपीट करेंगे जिससे कि हमारी जो नूडल्स है उसकी कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगी। इसके बाद हम इसको एक प्लेट में निकाल देंगे और अच्छे से फैला के रख देंगे और साथ ही हम इसमें थोड़ा ऑयल लगा देंगे जिससे कि ये सूखे ना और स्टिक ना हो आपस में। इसके बाद हम इसको ठंडा करने के बाद किसी भी रेसिपी में यूज कर सकते हैं। मैं इसे चाउमीन बनाने वाला हूँ।